मुझे नीचे उतारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कब से कह रही हूँ नीचे उतारो तुम। What are you doing? Stop whatever you think you're doing. Just leave me. नीचे उतारो। चुप। बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो प्लीज। मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। मैं कब से बोल रही हूँ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ना का मतलब समझ में नहीं आता, कब से कह रही हूँ। शाना जाओ फर्स्ट एड किट लेके आओ। जाओ शाना, तू कहीं नहीं जाएगी। क्यों? संजीवनी बूटी लाने के लिए भेज रहा हूँ उसको, फर्स्ट एड किट लाने के लिए भेज रहा हूँ, जाओ ना। मैंने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगी, उसे नहीं पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, वो यहाँ नहीं रहती। गुड, तुम तो यहाँ रहती हो तो कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स? कहाँ है? मेरे रूम। गुड, वेरी गुड, रूम में जाओ। क्या वेरी गुड? मेरा इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अ हीरो, ना मैं हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं रणबीर कोहली हूँ, रणबीर कोहली की तरह ही बिहेव कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना रणबीर कैसा था? So now I'm giving you the last warning, stop acting like a baby. अपना मुंह बंद रखना। जी चोट लगी है, अपना मुंह बंद रखने को कहते। मैं इसी के इलाज के लिए तो बोल रहा हूँ। तो मत करो ना इलाज, मैंने बोला था इलाज करने के लिए, नहीं चाहिए तुम्हारी केयर और कंसर्न। ओके ओके बेबी, ऑलराइट, डोंट कॉल मी बेबी। सो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बेबी। रणबीर जब वो मना कर रही है तो तुम उसे बार बार बेबी क्यों बुला रहे हो? अरे वो मना तो अपने इलाज के लिए भी करिए, नहीं करूँ इलाज। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज तुम इस बहस में मत पड़ो, दैट्स इट। तो तुम अपनी बहन को बोलो ना मुझसे बहस ना करे। एक सेकंड, मुझसे बात करने की सोचना भी मत। अगर बात करनी है तो अपने सो कॉल्ड पति से कर लो। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, कोई कुछ नहीं करेगा? मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी मेरे सामने, बिल्कुल नहीं। रणबीर, प्राची ये तू क्या कर रही है? इतनी सी बात पे इतना तमाशा? मुझे मत सिखा मैं क्या करूं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। क्या कर रही है? वो तेरी मदद कर रहा है और तू उसके साथ ऐसा कर रही है? उसे बस मैं सिखा रही हूँ जाना मेरे स्टैंड की कोई वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू है। वैल्यू करेगा तभी रिस्पेक्ट करेगा, वरना हीरो बनता रहेगा। प्राची मेरे हिसाब से ना ये स्टैंड्स और ये वैल्यूज ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। मेरी नजर में तो वो सिर्फ तेरा ख्याल रख रहा है ना, और तू उसे रोक रही है। क्या बिगड़ जाएगा अगर वो दवाई लगा देगा तो? इस बात से डर रही है तू? बहुत मुश्किल से उसकी आदत छूटी है, दोबारा उसकी आदत नहीं लगानी, क्योंकि जब ये आदत टूटती है तो बहुत दर्द होता है। I absolutely agree with Dita. प्राची ओवररिएक्ट कर रही है। पहले तो खुद का ख्याल नहीं रखा गया और जब रणबीर ख्याल रख रहा है तो तमाशा कर रही है। और तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? मेरा बेटा है ही इतना अच्छा कि सबकी हेल्प करता है, यू नॉट स्पेशल। नहीं चाहिए किसी की अच्छाई, पहले फ्री में अच्छाई दिखाते हैं लोग, फिर हमें कीमत चुकानी पड़ती है। प्राची 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 खा के जाओ, खा के जाओ। खा के नहीं, मुझे लेट हो रहा है। तुम खा, चल चल खा लेना, प्लीज खाओ, निकल जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। तुम जैसी लड़की से मुझे नफरत है, नफरत करता हूं। मुझे नहीं चाहिए किसी के हेल्प। जी तू क्या कर रही है? बैठ बैठ बैठ, पैर रख। गया रणबीर, जब अपना खुद का ख्याल नहीं रखा जाता तो अगर सामने वाला लग रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? कि बदतमीजी से बात करने वाली कौन सी बात है? हम मुझसे लड़ तो ऐसे रही है जैसे जैसे पता नहीं मैं उस पर अपना हक जता रहा हूँ। हक नहीं जता रहा हूँ उस पर अपना, जो बस तकलीफ होती है उसे ऐसे देख के। रणबीर रिया प्लीज अभी नहीं, अभी प्लीज मुझसे बात मत करो प्लीज। अरे रणबीर अभी नहीं तो कब? जब सब हो जाएगा तब। क्या हो जाएगा रणबीर? तुम क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें क्या मिल जाएगा ये सब करके? हाँ रिया मैं तुम्हें बताऊंगा तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बोल चुका हूँ ना मुझे बात नहीं करनी, फिर भी तुम कर रही हो। देखो बिकॉज आई केयर फॉर यू, और मैं भी तो केयर ही कर रहा। यू आर राइट, तुम उसकी केयर करो,
और वो तुम्हारी इंसल्ट पे इंसल्ट करती जाएगी। तुमने देखा नहीं वो किस तरह से बात कर रही थी, किससे धमकी दे रही थी? रणबीर तुम्हें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना तो प्लीज जस्ट डोंट डू दिस। ऐसा लग रहा था जैसे एनीवे यू नो व्हाट, रास्ते में जब कोई गिर जाता है ना अगर उसे हम हाथ देके उठाते हैं ना तो वो भी थैंक यू बोलते, लेकिन ये इसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। सो प्लीज इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट लेफ्ट जस्ट डोंट डू दिस प्लीज। तुम्हारा हो गया बोल के? नहीं मुझे और बोलना है। रणबीर उसने तुम्हारी इंसल्ट की है और तुम मेरे हस्बैंड हो, और अगर कोई मेरी हस्बैंड की इंसल्ट करेगा तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मत सुनो, अपने रूम में जाओ और वहाँ पे सो जाओ, ना तुम्हें कुछ बुरा दिखाई देगा ना कुछ सुनाई देगा। ओके सिंपल सीरियसली ये सलूशन है तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास कोई बेटर सलूशन है तो दे दो। नॉर्मली लोग यही करते हैं ना, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगता तो वहाँ से चले जाते हैं, दैट्स द बेस्ट। यू नो व्हाट रणबीर, ये सेम सलूशन मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। अगर तुम प्राची को तकलीफ में नहीं देख पा रहे हो तो एक काम करो ना, तुम उसके सामने क्यों आते हो? मत उसके सामने। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, प्राची हर्ट है और उसको तकलीफ में देख के ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। रणबीर, रणबीर, गॉश, ये प्राची कब जाएगी हम दोनों की लाइफ से? मुझे लगा था कि सिद्धार्थ के साथ उसका नाम बर्बाद करने के बाद अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगी, लेकिन वो तो इस घर में वापस आ गए और धीरे धीरे अपने पैर भी जमा रही है। कुछ करना पड़ेगा इस प्राची का, कुछ करना पड़ेगा। तुमने मुझसे क्या कहा? चुपचाप जाकर सो जाओ, कुछ देखो मत कुछ सुनो मत। लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, मैं सब कुछ देखूंगी सब कुछ सुनूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आएगा। औरों का दिमाग गुस्से में ना काम नहीं करता, लेकिन मेरा दिमाग गुस्से में चलता रहता है तेजी से। प्राची नाउ यू वेट एंड वॉच। पहले ही बोल चुकी हूँ मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। देखो तुमने कुछ भी किया ना, मुझे छुआ भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है, तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी हुई है और अभी भी तुम्हें अपनी ईगो की फिक्र है। अब चुपचाप बैठी रहना और कुछ मत बोलना जब तक सब हो ना जाए। तुमने मुझे छुआ भी ना, पुलिस को बुला लूंगी। ये क्या बोल रही है प्राची तू? वो तुझे परेशान कर रहा है जो तू पुलिस को बुलाएगी? मैं कब से परेशान हो रही हूँ, वो किसी को दिख नहीं रहा, वही कर रहा है जो मैं करने से मना कर रही हूँ। ये क्या बात हुई प्राची, अगर रणबीर की जगह डॉक्टर तुझे दवाई लगाता तो उसके साथ भी तू यही करती? बात चोट किया दवाई की नहीं है, बात आपकी मर्जी और किसी की मनमानी की। आपकी मर्जी के बिना कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता आपके साथ, मैं नहीं करने दूंगी किसी को। पहले मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में से समझाने की कोशिश की, मना की, फिर वार्निंग दी, अब धमकी दे रही। तुमने मुझे छुआ ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हट जा पीछे, तो इसका ना दिमाग खराब हो गया, ये खुद पागल हो गई है, तुझे भी पागल कर देगी। जस्ट लीव हर, खुद लगा देगी दवाई। अलवी सही बोल रही, तो प्राची ना कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है, छोड़ो उसे, भलाई का समाना ही नहीं रहा। लीव इट रणबीर। प्राची तो क्या बोल रही है, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और पुलिस को बुलाएगी लोड़ी वाले दिन? और नहीं तो क्या, आप सब मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसे कोई क्यों नहीं बोल रहा कुछ? जबरदस्ती करा है मेरे साथ, मैं नहीं चाहती हेल्प करे, मैं नहीं चाहती मेरी हेल्प करे, कोई केयर दिखाए, कोई कंसर्न दिखाए। कब से मना कर रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर ये दवाई नहीं लगाएगा, मेरी केयर नहीं करेगा, ये हीरो नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा? मेरी चोट और गहरी हो जाएगी, मुझे और दर्द होगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरा पैर टूट जाएगा। अच्छी वो बात नहीं है, पर तो कैसी बात है, इसे मना करो ना, कोई नहीं चाहिए मुझे इसकी केयर और कंसर्न। इसे समझाओ क्योंकि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, मेरे पास पुलिस का नंबर है, आई विल डायल द नंबर। एक काम करो, तुम अब पुलिस को बुला ही लो।
कर लिया तुमने? अरे मम्मी करने दो। रणबीर जस्ट लीव हर, क्यों हाथ लगाया तुमने उसे? रिलैक्स मॉम, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन। हेलो, मेरा नाम प्राची है और मैं कोहली मैंशन वसंत कुंज से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक औरत के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ वो चीज की जा रही है जो वो बिल्कुल नहीं चाहती। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आइए और उसकी मदद कीजिए। हम आ रहे हैं। ऑर्डर, गाड़ी निकालो। हुआ? आप कुछ करेंगे नहीं। तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे? कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। वो रणबीर प्राची का ख्याल रख रहा है और प्राची है कि उसे इरिटेट हो जाती है। अरे जब इंसान आपसे इतना इरिटेट हो रहा है तो उसके लिए कुछ करना ही क्यों है? कोई किसी से इरिटेट नहीं हो रहा है और ये बात तुम भी जानती हो कि केयर करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उस प्राची को प्रॉब्लम है। पल्लवी प्लीज, सबसे पहले तो अपना गुस्सा शांत करो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए या अपने गुस्से का। देखो रणबीर और प्राची के बीच इस वक्त जो भी चल रहा है ना, वो एक टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के झगड़े जैसा है, जहां दोनों एक दूसरे में फॉल्ट्स। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है? दोनों अपनी रिलेशनशिप के ऐसे मुकाम पे आके पहुंच गए जहां पे कोई कुछ भी कहता है एक दूसरे से तो सामने वाला उसमें खामियां निकालने पे तुला हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड वॉर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है तुम कुछ नहीं करोगे। मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे और मैं कर भी क्या सकता हूं? प्राची इतना कुछ कर गई है और वो पुलिस बुला रही है। तुम्हें सच में लगता है कि प्राची रणबीर को अरेस्ट करवाना चाहती है? ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना प्राची में, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी विक्रम। और अब तो मुझे ये लगने लगा है कि तुम इस घर में गलत का साइड ले रहे हो। पल्लवी, डोंट। पल्लवी, गौर करियो। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे? क्या हाथ पे भी मरहम लगाओगे? तुम्हारे हाथ पे दवाई नहीं लगा रहा था, तुम्हारे हाथ को लेके तुम्हें सहारा दे रहा था अंदर जाने के लिए रूम में। Just stop it, please stop it. क्या प्रूव करना चाहते हो? जैसे कि बहुत फिक्र है मेरी, जैसे कि कुछ लगती हूँ मैं तुम्हारी? जैसे नहीं प्राची, एग्जैक्टली ऐसा ही। चलते कोयले पे चलकर ये बात बोलोगे ना तो भी नहीं मानोगी। फिलहाल तो मैडम पैर तो आपका ही जला हुआ है और तुम्हारी बात पे मुझे कोई खास भरोसा रहा नहीं है। हे भगवान, इस बार तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इनका झगड़ा क्यों हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के मन में। बस करो रणबीर, बंद करो ये पागलपन। मैं पागलपन कर रहा हूँ तो ये प्राची क्या कर रही है? प्राची ड्रामा क्रिएट कर रही है घर पे। मैं ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ? नहीं कर रही हो तुम ड्रामा क्रिएट, ऑफ कोर्स तुम कर रही हो। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें शायद खुद नहीं पता, तुम ना ड्रामा तब क्रिएट करती हो जब घर पे बहुत सारे लोग होते। अगर ऐसी बात है तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम प्राची कौन है? एक कंप्लेंट आई है हमारे पास।
तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए। अब जिस काम के लिए तुमने इनको बुलाया था वो तो ये कर नहीं पाए क्योंकि मैंने तो अपना काम कर डाला। अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ और तुम्हें जो करना है वो करो। किधर आओ शाना, किधर आओ, कम इन, पकड़ो इसको आराम से। आओ प्राची। यस सर, यही प्राची, इसी ने मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन की। आप मुझे एक बात बताइए सर, कौन कंप्लेन करता है जब एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करता है? और मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड तो इसकी हेल्प कर रहे थे क्योंकि इसे चोट लग गई थी, लेकिन इस पागल औरत ने आपको कॉल करके यहाँ बुला लिया। एग्जैक्टली, पागल है ये लड़की और हम सबको भी पागल कर देगी। आप ना इसे जेल नहीं, सीधा पागल खाने ही ले जाइए। बोलो, बताओ ना उनको कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, कितनी ज्यादती करी। जब मैंने तुम्हें उठाया तो मैंने तुम्हें गलत तरीके से छुआ, या जब मैं तुम्हारे पैर पे दवाई लगा रहा था तो मैं तुम्हें बहुत बुरी नजर से देख रहा था। बताओ, तुम बताओगे अभी तो बहुत सही रहेगा क्योंकि आसपास ये जो लोग हैं आई विटनेस है, ये तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनेगा तुम्हारा और शायद मुझे फिर जमानत भी ना मिले। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? बताओ उनको, गेट मी अरेस्टेड। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। तुम क्यों बोल रही हो सॉरी? मुझे बोलना चाहिए ना सॉरी। मेरी गलती है तो सॉरी तो मैं ही बोलूंगा। तुम मत बोलो, तुम उनको सच सच बताओ। टेल हिम मैंने क्या किया। एक काम, तुम रहने दो, मैं बताता हूं। सर, अगर आप किसी लड़की को उसके बिना परमिशन के उठाएं और उठा के घर लें तो इसको आप क्या मोलेस्टेशन कहेंगे शायद, है ना? और अगर आप उसकी बिना परमिशन के उसके पैर पे दवाई लगा दें तो इसको क्या, इसको टॉर्चर कहेंगे? मैं सिर्फ, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये सब जो भी मैंने किया है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये सब मैंने अपनी वाइफ के लिए किया है। Yes, for my wife Rhea. क्या हो गया, तुम इतना चुप क्यों? बोलो, थोड़ी देर पहले तो बहुत जोर जोर से बोल रही थी मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। कमाल, बताओ उनको कि मैंने क्या क्या किया, मुझे अरेस्ट करो। कुछ बोल नहीं रही तो मुझे प्रोवोक मत कर। मैं प्रोवोक कर रहा हूँ तुम्हें? मैंने फोन किया था पुलिस वालों को, मैं बोल रहा था कि मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी, मैंने बोला? किसने बोला? तुमने बोला ना, तो जो बोला था वो करो। बताओ उनको, भेजो मुझे जेल के अंदर। तुम मुझे अरेस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं गलत नहीं हूं। तुम मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते, इसलिए तुम कुछ भी करो कुछ भी सोचो मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। रिया बेबी, तुम समझ तो गई होगी ना अभी तक मैंने ये क्यों किया, किसके लिए किया। तुम, आई माइट एज़ वेल जस्ट एक्सप्लेन इट। इससे पहले प्राची अपनी सफाई दे। सर, अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्राची की फिक्र है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी वाइफ रिया की बहुत फिक्र है। आपको सच बताऊं तो सर, जो ये प्राची है ना, इसको रिया से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। इसको लगता है इसकी जिंदगी में जो भी चीजें खराब होती है वो सब रिया की वजह से होती है। तो जब प्राची का पैर जला, मुझे लगा इससे पहले ये रिया को फिर से ब्लेम करे तो मैं जाके प्राची की जो चोट है वो ठीक कर देता हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ की फिक्र करना या प्राची की मदद करना इज बिग इनफ, तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। सर, किसी की हेल्प करना क्राइम नहीं होता है, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या टेंशन चल रहा है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दो प्रेमियों के बीच नोकझोंक चल रही है। नहीं सर, ये दोनों लवर्स नहीं है। ही इज माय हस्बैंड, वो मेरे पति है। I'm sorry,
तेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसे लड़ रहे जैसे दो प्रेमी लड़ते हैं। खैर छोड़िए प्राची जी, आपको इस तरह की कॉल नहीं करना चाहिए था। आप लेडीज है इसलिए आपको वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, वरना यूजलेस कंप्लेंट करके पुलिस का टाइम खराब करने के लिए आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती थी। आइंदा ध्यान रखिएगा और हो सके तो मिस्टर रणबीर से माफी मांग के झगड़ा खत्म कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम सॉरी बोलोगी या अपनी गलती भी मानोगी, तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज बहुत इजी कर देता हूं। मैं अपनी तरफ से जो सारा मैटर है ना उसको खत्म करता हूं। ओके?